والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رَسُولِهِ سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين سيد الاولين والاخرين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى اله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل عسى ان يكون ردف لكم بعد الذي تستعجلون وان ربك لذو فضل على الناس ولكن اكثرهم لا يشكرون وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون صدق الله العلي العظيم محبت کے ساتھ ایک مرتبہ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معد الجود والكرم واله وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين हम दो सलात के बाद कुरान करीम की सूरत नमल की तफसीर आप सुन रहे हैं ये बयान काफ़िरों ने मशरक़ों ने यह कहात कब आ जाएगी बहुत सुन रहे हैं आती क्यों नहीं है कब आएगी क्या हम दोबारा निकाले जाएंगे हमें दोबारा बनाया जाएगा ये तो कहानियों की बातें हैं उनसे कहा गया कि जमीन में जरा घूम के देखो मुजरिमों का अंजाम देखो कितनी बस्तियाँ कितनी आबादियाँ धसा दी गईं। और अपने हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फ़रमाया कि इन पर गम ना खाओ और इनकी इन चालों से अपना दिल तंग न करो इनसे कह दो आप फरमा दो कि करीब है कि तुम्हारे पीछे आ लगी हो बाज़ वो चीज़ जिसकी तुम जल्दी मचा रहे हो इस सूरत में मोमिनों की और नुसरत का या काफिरों पर दुनियावी और उखरवी अजाब का वादा और वईद वाज़े है ईमान वालों को वादा दिया गया कि वो कामयाब होंगे और जो ईमान वाले नहीं हैं उनको वईद सुनाई गई वईद के माने जिसमें डर सुनाया जाए वो सुनाई गई कि तुम्हें दुनिया और आखिरत में अजाब पहुँचेगा कुफार का ये कहना कि कब आएगी कयामत, क्या हम फिर उठाए जाएंगे तो ये तमशुर जिसको ठट्ठा करना कहते हैं आपके उर्दू वाले मजाक कहते हैं दिल लगी के तौर पर था ऐसी नीयत से इस तरह के जुमले या इस तरह का कलाम करना ये मुसलमान का काम नहीं है वो मुसलमान जिनके मुंह से ये बात निकलती है देखा जाएगा जब कयामत आएगी देख लेंगे ये जुमले भी कहने दुरुस्त नहीं बड़ी देखी है क़्यामतें बड़ा सुना है ये इस तरह के जुमले कहना इंसान को ईमान से दूर कर देता है हमें मालूम है जरा सा दर्द हमारा जिसम में होने वाला ना जाए कितनी तकलीफ होती है हम कहाँ अजाब का सामना कर सकते हैं तो हमें हर हाल में डरना चाहिए कोई बड़ा बोल नहीं बोलना चाहिए बाज़ का लफ्ज़ आया बादल लजी बाज वो चीज़ तो लोग इस पर शायद ताज्जुब करें तो बाज का मतलब इसलिए ये फरमाया कि कुफार पर दुनियावी अजाब तो जल्दी आने वाले थे और कुछ क़रो हशर में उनके लिए और बाद में अजाब जो आने हैं पहला अजाब अगर कहा जाए तो मुसलमानों के हाथों उन पर बदर में आया कि वो एक हज़ार की तादाद में सामान के साथ आए फिर भी अल्लाह ने मुसलमानों को फता दी काफिर कामयाब नहीं हुए हमें अल्लाह से हर वक्त दुआ करनी चाहिए कि हमारा ईमान सलामत रहे और हम कोई ऐसी सूरत खुद से ना करें जिससे हमारे ईमान को खतरा हो अब मैं जो बात कह रहा हूँ ध्यान से सुन लें हर मुसलमान को इतनी बात मालूम होनी चाहिए इतना इल्म होना चाहिए कि कौन सी बात से मैं ईमान से निकल जाता हूँ यानी मेरा कौन सा काम मेरी कौन सी बात मुझे ईमान से निकाल देती है ये मालूम होना चाहिए कुछ लोग कहते हैं तुम लोगों ने इस्लाम को इतना तंग कर दिया या इतना महदूद कर दिया छोटी छोटी बात पर कोफर होने लगता है तो उनको समझना चाहिए ये मुफ्तियों के फतवे की बात नहीं है ये क़ुरान हदीस की बात है। सच्चा मुफ्ती भी कुरान हदीस की रोशनी में फतवा देता है आपके हां मुआशरे में कितने लफ्ज ऐसे हैं जो आप गवारा नहीं करते उसको बेअदबी बदतमीजी या पता नहीं क्या क्या उनवान दे देते हैं तो दीन की बात को हल्का क्यों लेते हैं ये दीन है आप किसी इदारे में जाएं वहां पर छोटी सी गलती पे आप पे जुर्माना होता है आपको शोकाज नोटिस दे दिया जाता है कि वजह बताओ क्यों ऐसा किया तो दीन के हवाले से यह नहीं है कि दीन तंग है हम लोग अपने मिजाज में चूंकि एक ऐसी आजादी रखते हैं हम परवाह नहीं करते हमें दीन की इतनी मालूम तो हो कि हम क्या कहेंगे या क्या करेंगे तो हम दीन से निकल जाएंगे ये हमें मालूम होना चाहिए मिसाल के तौर पर कुरान अल्लाह ताला का कलाम है कोई कह दे मैं नहीं मानता तो ये जुमला बताइए उसको दीन से निकालेगा या नहीं निकालेगा ऊंची मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं खातम नबीन है कोई कह मैं नहीं मानता तो ये जुमला उसको दीन से निकालेगा या नहीं निकालेगा ये बात समझने की है जिम्मेदारी की बात है लापरवाही से काम चल सकता नहीं और अल्लाह ताला सब कुछ जान हमारे सीनों में छुपी हुई बातें हमारी नीयत असल में क्या आप दूसरे को लाख बताएं कि मेरी नीयत ये है जो आपकी असल नीयत है वो अल्लाह ताला से छुपी हुई ने क्यों कहा है आपने कैसे कहा है दुनिया के सामने आप बात बना लेंगे रब के सामने क्या करेंगे वहाँ क्या बहाना बनाएंगे तो जहन में रहे कि इंसान दीन का पाबंद हो जाता है और जब पाबंद हो जाए तो फिर उससे निकलने के लिए उसके पास क्या है कि वो अगर दीन का इनकार करेगा कोई ऐसी बात करेगा तो वो दीन से निकल जाएगा तवज्जो चाहता हूं अल्लाह ताला ने फरमाया और बेशक तेरा रब फजल वाला है फजल के हवाले से कुछ बातें गुज्ता जुम्मे कर चुका आदमियों पर आलन नास आदमियों पर तेरा रब फजल वाला ये बहुत बड़े फजल वाला रब तला छोटे छोटे अजाब देकर बड़े अजाब से बचाता है ताकि खौफ आए और खौफ की वजह से ये लोग नाफरमानी से इनकार से बचें इंसान दुनिया के मामले में जो बातें मान लेता है जब दीन का मरहला आए तो फिर आए बाएं शाएं करता है मुझे ये बताइए दुनिया में हर मुल्क में कानून हैं या नहीं सड़क पे आओ तो सड़क के ट्रैफ़िक के कानून हैं घरों में रहो तो वहाँ के कानून हैं हर जगह हर इदारे में कोई रूल्स हैं उसूल हैं कवायद हैं जवाब हैं ये करना है ये नहीं करना है वहाँ मान लेते दीन की बात आए तो फिर क्यों नहीं मानते किसी इदारे में है कि जी जिसके पास फ़लां कार्ड होगा वो अंदर दाखिल हो सकता है दूसरा नहीं इस एरिए में फ़लां शख्स जा सकता है दूसरा नहीं, नहीं। ये वर्दी पहननी है ये यूनिफॉर्म पहनना है ये नहीं होगा तो आप आ सकते नहीं वो सब मान लेते हैं आप उनके टाइम मानेंगे उनके बातें मानेंगे दीन के हवाले से बात करें तो आप कहते हैं दीन में इतनी सख्ती क्यों करते हो तो याद रहे कि दीन को मजाक नहीं दिया जाएगा इसके बारे में हम ये नहीं कहेंगे कि जी दीन में सख्ती है हमारे मिजाज में जो ख़राबी है हमें वो दुरुस्त करनी है ये हमारे मिजाज बिगड़े हुए हैं हम चाहते हैं कि जानवरों की तरह रहें जबकि तकदीर कुदरत ये चाहती है कि हम इंसानों की तरह रहें क्योंकि जिंदगी तीन तरह की है हैवानी जिंदगी इंसानी जिंदगी ईमानी जिंदगी हैवानी जिंदगी जो चाहा जब चाहा जहां चाहा जैसा चाहा कर लिया जैसे जानवर करते फिर उसमें और इंसान में क्या फर्क रह जाएगा अगर इंसान भी वैसे ही करने लग जाए हर चीज को मुंह मारने लग जाए जिस तरह हैवानों की आदतें जहाँ चाहे उन्होंने खड़े होके बैठ के जो मर्जी कर लिया फिर अकल जब इंसान को दी गई शूर दिया गया तमीज़ दी गई तो अब जिंदगी अकल वाली है तो ये इंसानी ज़िंदगी है कि मेरे साथ दूसरे लोग भी रहते हैं मैंने क्या क्या करना है क्या नहीं करना मुझे दूसरों का भी ख़याल करना है तो ये इंसानी ज़िंदगी अब खाना सामने रखा है अकल कह रही है भूख लगी है खाओ मगर कौन बताएगा कि हलाल है या हराम है जायज़ है या ना जायज़ है ये मेरे लिए खाना दुरुस्त है या नहीं है ये काम मेरे लिए करना दुरुस्त यह ईमान बताएगा तो असल जिंदगी है ईमानी जिंदगी तो हम जब ईमानी ज़िंदगी गुजारेंगे तो फिर दीन की पाबंदी करनी है करनी है उससे निकल कर फिर हमारी ज़िंदगी बेहतर नहीं अच्छा वो लोग जो आज़ादी चाहते हैं नहीं जो दिल चाहे करो जो मर्जी बोलो जो मर्जी करो तो वो फिर दूसरों को भी इजाज़त दें कि उनके साथ जो चाहे जिस तरह चाहे करे अपने लिए तो वो चाहेंगे मुझे कोई ऐसा लफ्ज ना कहे मुझसे कोई ऐसी हरकत ना करे तो फिर तुम दूसरे के साथ कैसे कर सकते हो समझ आ रही है बात कहते हैं जी जो मर्जी कह लो तो ईमान के खिलाफ कहने को तो वो आजादी देते हैं उनके खिलाफ बात करें तो वो कहते हैं नहीं क्यों है तो फिर आप सिर्फ अपनी आजादी चाह रहे हैं आप असल में आजादी नहीं चाह रहे आप दीन से आज़ादी चाह रहे हैं ईमान से चाह रहे हैं और मुसलमान होने वाले के लिए ये बात दुरुस्त नहीं है। है। एक ईसाई है वो अपने मज़हब की पाबंदी नहीं करता तो वो सही ईसाई नहीं है यहूदी है वो अपने मजहब की पाबंदी नहीं करता वो सही यहूदी नहीं है तो जो मुसलमान है वो अपने मजहब की पाबंदी नहीं करेगा तो क्या सही मुसलमान होगा नहीं होगा ये बात हमें समझनी चाहिए दुनिया इस्तेमाल के लिए है पसंद करने के लिए नहीं है ये जो दुनिया से रगबत हो जाती है दुनिया को पसंद करने लग जाते हैं फिर मौत बुरी लगती है फिर मरना नहीं चाहते क्यों कि दुनिया से प्यार हो गया है तो दुनिया प्यार करने के लिए नहीं है दुनिया बरतने के लिए तालिमात के मुताबिक इसे इस्तेमाल करें लेकिन इससे प्यार न करें क्योंकि जो दुनिया से प्यार करता है फिर वो ख्वाहिशात का गुलाम बन जाता है फिर वो दुनिया में खोकर दीन से दूर हो जाता है दुनिया उसके साथ रहती नहीं है आख़िरत से वो अपने आप को महरूम कर लेता है यानी वहाँ की नेमतों से तो एक समझदार इंसान वो होगा जो दुनिया में इस तरह रहे जैसे मुसाफिर रहते हैं कि मेरी गाड़ी आएगी मैंने चले जाना है ये रहने की जगह नहीं लेकिन हमारी सारी प्लानिंग मनसूबा बंदी सारे प्रोग्राम दुनिया के लिए अभी यह करूंगा दस साल के बाद यह करूंगा बीस साल के बाद यह करूंगा बूढ़ा हो जाऊंगा यह करूंगा हालांकि अगले सांस का भी पता नहीं तो इंसान को समझाया गया अल्लाह की नेमत और उसके फजल का इल्म ये बहुत से लोगों को नहीं है कि नेमत क्या है फजल क्या है वो समझें समझ सकें इतनी सलाहियत भी वो पैदा नहीं करते अजाब क्या है नेमत क्या है रहमत क्या है जहमत क्या है तो फिर जो बंदा इन बातों को नहीं समझता उसका हाल अजीब हो जाता है फिर वो जमीन पर अकड़ के चलता है फिर वो बड़े बड़े बोल बोलता है और फिर जब पकड़ में आता है तो फिर उसको परेशानी के हैं, ये क्या हो गया कैसे हो गया तो उसको नहीं मालूम कि ये उसका अपना अमल है जिसको आप मकाफात अमल कहते हैं कि ये तुम्हारा अपना किया धरा सामने आया है ये किसी और की वजह से नहीं खुद तुम्हारे अपने करतूत हैं खुद अपने काम हैं तो हमें चाहिए कि हम जिंदगी को अल्लाह की नेमत समझें ये जो सांस चल रहा है ये जो वजूद मिला है ये जो सेहत मिली है इसको अल्लाह की नेमत समझें और ईमान मिला है इसको अल्लाह का फजल समझें और फिर इसकी क़दर करें शुक्र करें क्योंकि शुक्र के माना क़दर करना कि जो चीज़ मिली है उसका सही इस्तेमाल करें तो ऐसे में फिर क्या होता है फिर रहमत ही रहमत होती है फिर बरकत होती है ना शुक्री करेंगे शिकायतें करेंगे ना फरमानी करेंगे तो फिर कोई बरकत रहती नहीं अक्सर लोग कहते हैं मौलाना साहब बड़ी मेहनत करता हूँ बहुत दिल लगा के मेहनत करता हूँ बस बरकत नहीं होती तो ऐ बंदे तेरी ज़बान का क्या हाल है? मेरे पास अक्सर लोग आते हैं कहते हैं मौलाना साहब बड़ा अच्छा कारोबार था अब नहीं है बंदिश हो गई है किसी ने कुछ कर दिया तो मैं उनको जो बातें बताता हूँ फिर वो थोड़ा सोचने लगते हैं आप भी सुन लें मैंने ये कई मरतबा बताई हैं कुछ वजह हैं जिनकी वजह से रिज्क रुक जाता है या तंगी होती है सबसे पहली बात अपने ईमान को टोलें कि मेरे ईमान की हालत क्या है कहीं मैं अकायद में बिगड़ तो नहीं रहा मेरे अकीदे में कोई गलत बात शामिल तो नहीं हो रही पहली बात दूसरी बात के वालदेन के साथ क्या मामला रखा या रखता हूँ वालदे गुजर गए तो मैंने क्या सलूक किया या अब हैं तो उनके साथ क्या मामला है नाराज करता हूँ वो हो सकता है राजी हो गए हो लेकिन मैंने नाराज किया हो तो अगर मैंने नाराज किया है उन्होंने मुआफ़ भी कर दिया है फिर भी पकड़ हो जाती है सगे बहन भाई माँ बाप की तरफ से जो रिश्तेदार हैं उनसे निभा रहा हूँ या बिगाड़ रहा हूं मेल जोल बोल चाल बगैर शरई वजह के बंद की हो इससे भी रिस्क रुखता है जबान का क्या हाल है गाली देना झूठ बोलना गीबत करना बड़े बोल बोलना जबान का क्या हाल है ये जबान इसकी वजह से हम पर कितनी आफतें आती हैं इसको टटोलें मैंने किसी का हक मारा किसी के पैसे रोक लिए कोई नाजायज पैसे अपने कारोबार में हराम पैसे शामिल कर लिए इससे भी रिज्क रुक जाता है बेअदबी कुरान शरीफ़ घर में सही तरह नहीं रखा बुजुर्गों का अदब नहीं कर रहा मुकदसात का एहतराम नहीं कर रहा मस्जिद का या जो चीज़ें जिनका अदब करना चाहिए नहीं कर रहा ये वो बातें हैं जिनकी वजह से रिस्क में तंगी आती है मन आ रादान ज़िक्री फ इन लहू मीशतन दन का अल्लाह फरमाता जो हमारी याद से मुँह फेर लेता है हम उसकी मीशत तंग कर देते हैं तो अल्लाह की याद से मुंह फेरना नमाज नहीं पढ़ रहे हैं जिक्र नहीं कर रहे हैं अल्लाह का ध्यान ही नहीं है तो ये वो बातें हैं और हम कह देते हैं सीधा सीधा बंदिश हो गई वो बंदिश नहीं हुई मेरे अपने करतूत हैं मेरे अपने आमाल हैं अगर किसी में इनमें से कोई भी बीमारी है वो इस बीमारी को दुरुस्त कर ले फिर देखे रहमत होती है या नहीं होती लेकिन हम अपनी आदतों में गुम हम अपनी आदतों से मुंह नहीं फेरते फेरते हैं तो दीन से मुंह फेरते हैं तो नतीजा क्या निकलता है फिर लगता है कि नहीं जी किसी ने कुछ कर दिया किसी ने नहीं किया मैंने खुद किया हम खुद करते हैं और हमारी इस पर तवज्जो नहीं मैं अक्सर लोगों को कहता हूं तीसरा कलिमा और इस्तगफार बहुत पढ़ो फिर बताओ मुझे कौन सी बंदिश है जो रह गई है लेकिन नहीं मेहनत नहीं बस जी अब वो हदीस शरीफ जैसा बुखारी में भी दीगर किताबों में मौजूद इंसान कहेगा बस आ जाए हलाल हराम भूल जाएगा बस आ जाए नहीं परवाह करेगा तो नतीजा क्या होगा फिर बरकतें नहीं होंगी फिर बीमारियां होंगी फिर इख्लाफात होंगे फिर बेबरकती होगी जो इल्ला माशाल्लाह हमारे घरों में है क्योंकि हम झूठ के इतने आदि हो चुके कि अब सच बोलना भी हमें गवारा नहीं है तो इंसान अल्लाह का फजल माने अल्लाह का शुक्र करे मुझे ये बताओ अल्लाह शफा ना दे तो कोई शिफा दे सकता है भले आप सारी दुनिया के बड़े बड़े डॉक्टर जमा कर लें। तबीब हकीम जमा कर लें महंगी से महंगी दवाई लाखों रुपए के टीके लगवा लें अल्लाह शिफा ना देना चाहे मिलेगी और अल्लाह देना चाहेगा तो सिर्फ उसका नाम लेने से भी मिल जाएगी तो हमने रब को राजी रखना है रब को क्या करना है फिर कहिए अब आप खुद जांच लीजिए कि आप रब को कितना राजी रखते हैं बॉस कहलाता है इदारे का सरबरा मालिक है या जो भी है उसके लिए हम बहुत जतन करते हैं कि ये खुश रहे और जिस रब ने सब कुछ दिया है जिसका हक सबसे ज़्यादा है उसको खुश क्यों नहीं करते रब राजी तो सब राजी और सब राजी हो रब राजी ना हो तो फिर कोई बात कुछ हासिल नहीं रब राजी है भले दुनिया नाराज हो तो फिर बेड़ा पार है याद रखिएगा आजमाइशें होती हैं नेकों की ज्यादा होती है उनके दर्जे बढ़ाती है उनके लिए और ज्यादा नमत हो क्योंकि वादा है ल इन शक्कर तुम लजीदुम तुम नेमत का शुक्र करोगे नेमत ज्यादा हो जाएगी और हम करते हैं शिकायत शुक्र तो शायद ही कभी करें तो शुक्र करेंगे कदर करेंगे तो अल्लाह ताला की मेहरबानी ज्यादा होगी बहुत सी चीज़ों पर बुरा मानना ये हमारा मिजाज हो गया है छोटी छोटी बातों पर भी करीबी रिश्तेदार अच्छा दोस्तों के लिए बहुत रियायत है रिश्तेदारों के लिए रियायत दोस्त जो मर्ज़ी कह दें गवारा है घर वाले ने हल्का सा लफ्ज़ कह दिया है वो गवारा नहीं तो फिर इस तरह के मामला से जब आपके मिजाज में तब्दीली आती है आपका मिजाज जो बिगड़ता है उसका असर आपके मामला पे पड़ता है तो हमें अपने आप को दुरुस्त रखना है ताकि हमारे मामला दुरुस्त रहें अब दुख है दर्द है जी परेशानियां ही हैं। है, मैं सीखूँ मैंने रब का हक कितना अदा किया मुझे रब ने कितनी नेमतें दी है मैंने शुक्र कितना किया है शिकायत पर शिकायत शिकायत पर शिकायत तो बाज लोगों को दुनिया में इम्तिहान के तौर पर दर्जे बढ़ाने के लिए या किसी चीज की उनकी पकड़ तो अल्लाह आजमाता है कभी तकलीफ़ देकर और इम्तिहान सबका होता है और साल में दो मर्तबा आज़माए जाते हैं आप ख़ास तौर पर आपको पता चल जाए या ना पता चले आजमाइश होती है ज़िक्र मौजूद है तो अल्लाह ताला हम पर मेहरबानी फरमाए हमें हर वक्त उससे उसका फ़जल मांगना चाहिए या अल्लाह हमें किसी इम्तिहान में न डालना और अगर डाल दे तो मौला पर हमें बचा लेना हम पर मेहरबानी करना मगर हम कहते हैं नहीं जी मैं बड़ा समझदार हूँ मुझे पता है जी सब कुछ हम कुछ भी जानते नहीं हम बहुत आजिज हैं बहुत ही अकड़ बहुत है लेकिन कर कुछ भी सकते नहीं अल्लाह से डरना चाहिए मेरे दोस्तों और बुजुर्गों अल्लाह क्या फरमाता है वह इन्ना रब्बकलयालमुमा तु किन्नू सुदूरू हूम व मायो लिनू ओ आजाब जल्द चाहने वालो कवायगी कयामत जल्दी करने वालो तुम आजाब जल्दी चाहते हो तुम नहीं जानते कि अगर अजाब आ गया तो फिर तुम कहीं जा सकते नहीं ये जो छोटे मोटे तुम्हें दिए जाते हैं इनसे सीखो अपने आप को दुरुस्त करो और सुन लो कि तुम्हारा रब जानता है जो तुम्हारे सीनों में छुपा हुआ है रब से कुछ भी छुपा हुआ नहीं और जो तुम जाहिर करते हो वो भी रब जानता है असल क्या है अल्लाह से कुछ भी छुपा हुआ नहीं। कयामत के दिन बंदा अल्लाह की बारगाह में जाएगा अमाल नामा दिया जाएगा पढ़ो उसमें लिखा होगा इसने ये किया ये किया वो साफ कहेगा अल्लाह के सामने भी झूठ बोल देगा ये मैंने नहीं किया ये फरिश्तों ने ऐसे ही लिख दिया अल्लाह के सामने बंदा झूठ बोलेगा मैंने नहीं किया ये काम तो उसको दुनिया का वो मकाम दिखाया जाएगा जिस तरह वीडियो रिपोर्ट होती है ना दुनिया का वही मकाम वही मंजर दिखाया जाएगा ये देख ये तू ही है या कोई और है आजा बोलेंगे हाथ बोल के कहेंगे हमने ये काम किया पाऊं कहेंगे हम इस तरफ चल के गए अल्लाह इनको जबान देगा ये बोलेंगे तो बंदा झूठ बोलेगा तो उसकी बात खुल जाएगी साफ जाहिर हो जाएगी वो जितना झूठ बोलेगा वो झूठ उसका चल सकता नहीं।, नहीं तो क्या मतलब इस बात से लोग की समझते हैं नहीं जी हमने जैसे फोन में कोई चीज डिलीट कर दी तो बस डिलीट हो गई वो मिट गई अल्लाह के यहां सब कुछ है हाँ तौबा करें तो वो हमारे गुना मिटा देता है उसकी फरमा बरदारी देखो ना ये जुमला मुझसे भी आपने सुना होगा वैसे भी सुना होगा दुनिया में किसी से आप निनानवे मरतबा 99 नाइन टाइम अच्छा कर लो एक मरतबा बुरा कर लो तो वो 99 नाइन आपके मिट जाते हैं वो एक बुरा रह जाता है उसी को लेके आपकी सारी पुरानी खूबियां ख़त्म और अल्लाह के यहाँ निन्यानवे गुना करो एक मरतबा सच्ची तोहबा कर लो वो निन्यानवे मिट जाते हैं वो तोबा कबूल हो जाती है ये इंसान है वो रहमान है फर्क है अल्लाह के आगे कहते हैं ना दुनिया की जो आग है उसके आपने कुछ ग्रेड बना दिए ये इस दर्जे की आग है ये इस दर्जे की ये इस दर्जे की सबसे जो हाई सबसे ऊंचा दर्जा है वो जो आग है ना दुनिया की उसको 150 टाइम्स 150 मर्तबा उसको और ज्यादा करो जो दुनिया की सबसे तेज आग है उसको 150 सौ पचास मरतबा और ज्यादा करें तब जाके वो दोजक की आग के करीब होगी आपसे मच की तीली की जो जलन है वो बर्दाश्त होती है हालांकि वो बहुत ही मामूली दर्जे की आग जो सबसे ज्यादा तेज आग है वो तो बहुत तेज होती है ना ये हल्की सी इसकी तपिश वो हमारी खाल से बर्दाश्त तो फिर हम जहन्नम की आग कैसे बर्दाश्त करेंगे अच्छा इस आग को पानी बुझा देता है आग हो पानी उसको बुझा देगा मगर जहन्नम की आग कैसे बुझाओगे तो रवायतों में अल्लाह की खौफ से अल्लाह से डरते हुए मक्खी के बराबर आंसू आ जाए वो आंसू जाओदोजक की आग को बुझा देता है हम क्या अल्लाह के दिए हुए जिस्म का नेमतों का कोई हक अदा करते हैं नहीं चाहते बहुत कुछ है ये भी मिल जाए ये भी मिल जाए ये भी बुज़ुर्गों के वाकयात उनको ऐसी ऐसी क़वतें हासिल थी हमें भी हो जाए करना कुछ नहीं है मेहनत नहीं करनी है तो आप शुक्र भी नहीं कर रहे मेहनत भी नहीं कर रहे फिर आप किस बात पर अपना हक जता रहे हैं ये तो रब का फजल है मेरे रब का मेरे रब का और मैं यकीन के साथ कह रहा हूँ पूरे पूरे यकीन के साथ हम पर जो करम और फजल है ये सदका है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम कुछ भी नहीं है। हम कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ उनकी नस्बत के हम उनकी उम्मत है अल्लाह अपने हबीब की उम्मत पर बड़ा मेहरबान है करम ही करम है उनकी वजह से वरना हमारा कोई हाल नहीं कितने लोग हैं मानते नहीं हैं और काफिरों के लिए कहा गया कि ये दिल से जानते हैं कि ये अल्लाह के सच्चे रसूल हैं और फिर भी मानते नहीं जिद हट दर्मी और आज दुनिया में कितने लोग जानते हैं मुसलमान कहलाके कि मेरे नबी की शान बहुत बुलंद है मेरे नबी जैसा कोई नहीं लेकिन वो हज़ूर की शान मानने को तैयार नहीं तो बताइए फिर कोई खैर है उनके लिए ऊंची कुरान पढ़कर नबी की शान ना माने हदीस पढ़कर नबी की शान ना माने तो बताइए क्या समझदार हैं आलिम हैं किस फायदे क्या फायदा उस इल्म का जो नफा ना हुजूर दुआ करते हैं या वो इल्म फरमा जो नफा देने वाला और नफा देने वाला इल्म आपको बेअदबी नहीं सिखाता वो आपको गुमराही नहीं सिखाता शेख सादी भी फरमाते ना इल्मे के राह बहक न नुमायत जिहालत वो इल्म जो हक का रास्ता ना दिखाए वो इल्म नहीं है क्या है जिहालत है खुद को बहुत कुछ समझते हैं जिनको अल्लाह ने शान दी है उनको कुछ नहीं समझते फिर कुछ मिलेगा ऊंची तो ये बात जहन में रख ले काफिरों ने कहा क्या फिर उठाए जाएंगे फिर बनाए जाएंगे हैं, क्या हमारे जो टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे जिसम फिर बनेगा अल्लाह फरमाते इनकी इन बातों पे गम नहीं खाना इन इनसे अपना दिल तंग नहीं करना ये बहुत चाले चलते हैं जब इनकी पकड़ होगी तो फिर इनको पता चलेगा ये कहते हैं ना अजाब आ जाए तो ये छोटा सा अजाब आता है वो इनसे बर्दाश्त नहीं होता ये बड़े अजाब की बात करते हैं फेरौन खुदाई का दावा करता था अना रब को मिल आला खुद को रब्बे आला कहलाता था पता नहीं क्या क्या समझता था वो जब पानी ने मौज मारी उसको और वो डूबने लगा फौरन कहने लगा मैं ईमान लाता हूं मूसा और आरून के रब को मानता हूँ उस वक्त फिर उसका मानना काम नहीं आया आज भी उसकी लाश रखी हुई है मगर कोई सीखता फिर बने हुए फिर बने हुए आजीजी सीखे क्या सीखे आजीजी मेरे नबी पाक सल्लाम वाली ये कौनैन है कौनैन का अल्लाह ने मालिक बना दिया जिसको चाहें जितना चाहे अता फरमान मगर उसके बावजूद फाके करते सादगी कितनी है आजजी कितनी है देखें दोनों जहां के दाता हैं मगर दो दो महीने चूल्हा गर्म नहीं होता दो काली चीजों पर गुजारा पानी और खजूर यह नहीं कि मिलता नहीं था दुनिया को पसंद नहीं और हम पराठे खाएं हलवे खाएं तरह तरह की नेमतें खाएं और फिर हम शुक्र ना करें तो अफसोस है या नहीं है कितनी नेमतें हैं जबान का जायका वो तीन चार इंच की जबान है अलग से नीचे उतर के कोई जायका रहता है मगर इस जबान के ऐके के लिए क्या कुछ करते हैं और फिर भी शोकर शोकर हकीम लकमान का जिक्र है कुरान में पूरी सूरत है उनके नाम से उनके गुलाम थे ना मालिक ने खरबूजा जिसको खरबूजा कहते हैं खेरबेज खुरबुज खरबूजा मुख्तलिफ नाम रखे हैं आपने इसका माना है खरबूजे का माना खजूर का सालन हजूर सलम खजूर के साथ ये या तरबूज खाते थे तो वो खजूर की गर्मी जो है वो खत्म हो जाती थी उसने खरबूजा काट के दिया मालिक ने हजरत लुकमान को आप बड़े मजे से खाने लग गए उसने एक काश फिर दूसरी काश फिर तीसरा टुकड़ा काट काट के देता रहा बड़े मजे उसने कहा ये बड़े मजे से खा रहा है इसका मतलब ये बहुत मीठा है उसने एक काश का कुछ किनारा खुद चखा तो वो सख्त कड़वा था सख्त उसने फौरन थूक दिया उसने कहा मुझसे तो ये इतना सा नहीं खाया गया और तू मजे से खा रहा है उसने कहा मैंने ये नहीं देखा कि ये क्या है कड़वा है या मीठा मैंने ये देखा मुझे दे कौन रहा है मुझे दे कौन रहा है आप प्यार से दे रहे हैं मालिक हैं तो मैं आगे से मुंह बनाऊं आपके देना उसकी कदर ना करूं सिखा दिया मुझे और आपको मालिक ने मत दे तो मुंह नहीं बनाना क्या करना है शुक्र करना है वो कड़वे खरबूजे पर मालिक की शिकायत नहीं करते और हम नेमतों पे शिकायत करें कितने लोग हैं हम में से कितने हैं जो वाकई शुकर करते अक्सर से शिकायत अच्छा जी दस लाख का नफा हुआ है, इस साल कभी नहीं सुनाएगा आपको कि मुझे इतना नफा हुआ है दस हजार का नुकसान हो जाएगा तो दस मरतवा जिक्र करेगा ऐसा या नहीं तो जो नेमत मिली उस उसपे क्यों नहीं शुक्र कर रहा हजरत अयूब सलाम की जौजा मोहतरमा बीबी, उन्होंने अपने शोहर से कहा यह तकलीफ के दिन कब कटेंगे मुंह से निकल गया बादशाही की हुई थी राज किया हुआ था बीमारी आ गई बस्ती से निकले हुए कि हज़रत जी ये तकलीफ़ के दिन कब कटेंगे फरमाए ये बताओ खुशी का अरसा कितना गुजारा उनका अस्सी साल उनका बीमारी आए कितना अरसा हुआ है उसने कहा जी अभी तो चार पांच साल फरमाया अभी तो उसका दस फीसद नहीं हुआ और तूने शिकायत कर दी अस्सी साल की तकलीफ गुजरती तब कहती तू कि जी जितना खुशी का गुजारा है उतना ही तकलीफ का और तकलीफ को अभी चार साल हुए और तू शिकायत कर रही है किस मकाम पर हैं वो लोग किस मकाम पर हैं वो लोग अब मोहब्बत की एक बात भी सुनाऊं आपने ये सारी बातें सुनी मदीना मुनवरा में बैठे एक शख्स को कांटा चुभ गया मदीना मुनवरा में एक शख्स को उसकी आंखों से खुशी के आंसू निकला है वो जबान से भी कह रहा है यला तेरा शुक्र कि जीने ने कहा कांटा चुभा तकलीफ हुई है उसने कहा ये नहीं देखा ये कांटा कहां का है अल्लाह सोच है हम शिकायत पर शिकायत शिकायत पर शिकायत मैंने अल्लाह वालों के हालात में पढ़ा है कि जिस दिन उनके घर में फाफा होता था वो खुश होते थे कि आज अल्लाह की खास नजर है हम पे हमारे पास शिकायत ही शिकायत और रब का फजल उसका करम है मगर हम बहुत बेकद्रे ना शुक्र अल्लाह हमें शिक्र करने वाला बनाए मेरे प्यारे नबी पाक सल्लाम वाली ये कौन है अर्ज करते हैं एक दिन खाने को दे एक दिन भूखा रख जिस दिन खाऊं तेरा शुक्र करूं जिस दिन भूखा रहूं तेरी याद में रोता रहूं हम छः टाइम खाएं और फिर भी हमारी जबान पर शुक्र का कलेमा ना हो तो अफसोस है या नहीं है ना हम बच्चों को सिखाते हैं ना घर वालों को सिखाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कोई खाना तुम्हें नहीं खाने को दिल चाह रहा तो ना खाओ लेकिन उस खाने की बुराई हमारे यहाँ तो प्लेट फेंक देते हैं बच्चे गिरा देते हैं हमने उनको ये भी नहीं सिखाया ये रब का रिस्क है ये रूठ जाए तो फिर आता नहीं वो दादियां नानियां घर में होती थी बच्चों को पानी नहीं बहाना देखो टूटी खराब है उसमें से कतरा गिर रहा है नहीं इसको फौरन ठीक कराओ ये जो कतरा गिर रहा है इसका हिसाब देना पड़ जाएगा पानी फजूल नहीं गिराना वो दीन जो पानी फजूल गिराने की इजाज़त नहीं देता किसी का खून ना हक बहाने की इजाज़त देगा इस्लाम को दहशत गर्द कहने वाले ज़रा सोचें वोर करें हमें सिखाया जाता था देखो गलत लफ्ज़ मुँह से नहीं निकालना बड़े से इस तरह नहीं बोलना आज कोई रोकने टोकने वाला नहीं है नतीजा क्या है न तहजीब है ना सकाफत है ना अदब है ना प्यार है इसीलिए बरकतें भी उठ गई अब किसी को कुछ कह दो उसको अच्छा नहीं लगता क्यों डांटा है मुझे क्यों टोका है मुझे वो कितना अच्छा वक्त था पड़ोसी आपके बच्चे को डांटता था तो आप बच्चे से कहते थे तूने ज़रूर गलती की होगी उसने अपना बच्चा समझ के डांटा है मेहरबानी की है आज हम जाके उसका गरेबान पकड़ लेते हैं तो होता कौन है मेरे बच्चे को डांटने वाला फिर बताओ हमारे यहाँ कुछ बेहतरी रहेगी भूल गए हम तो हमने ना शुक्र सीखा ना अदब सीखा अल्लाह तौफीक दे तो शुक्र करना सीखे अल्लाह का फजल मांगे और जो मिला है उस पर शुक्र करें जो मिला है उस पर कितनों को वो नहीं मिला होगा नीचे देखो क्या क्या नहीं है मैंने आपको हजार मरतबा सुनाई होगी ये बात कि एक बुजुर्ग थे मस्जिद में गए सजदे में रोए अल्लाह तेरा बड़ा शुक्र तूने मुझे बहुत दिया लेकिन मेरे पास चप्पल नहीं है तो तू मुझे चप्पल भी दे देता पहनने के लिए सारा कुछ दिया है दुआ करके रो के मस्जिद से बाहर निकले सामने देखा एक शख्स आ रहा है उसके पांव मुड़े हुए थे फौरन दोबारा मस्जिद में गए फिर सजदे में गिर गए अल्लाह मुझे माफ कर दे तूने मुझे चप्पल नहीं दी पाऊ तो सलामत दिए हैं हम शुक्र नहीं करते सजदे से सर ना उठे जितनी नेमतें हमको मिली हुई है मगर हमारी जबानों पर हमारे दिल में शुक्र नहीं अल्लाह ताला फरमाता है लेकिन अक्सर आदमी शुक्र नहीं करते हक नहीं मानते अल्लाह का कितना फजल है वह इन नब्बक का लजू फजल और बेशक तेरा रब फजल वाला है आदमियों पर वला किन्ना अक्सर अमला यशकुर लेकिन बहुत सारे मानते नहीं शुक्र करते नहीं दुआ किया करो या ला हमें शुक्र करने वाला बंदा बना और फिर हमें कहा गया कि जो बंदों का शुक्र नहीं करता वो रब का शुक्र नहीं मल्लम यशकुर नम यशल्ला जो बंदों का शुक्र नहीं करता वो अल्लाह का शुक्र आपके साथ कोई मेहरबानी करे तो आपके यहां रवाज है शुक्रिया कहने का आपने वो भी छोड़ दिया गाड़ी रोकी रास्ता पूछा किसी से भाई फला चीज किधर उसने बताया तो कहो शुक्रिया उसने आपको बताया मेहरबानी की हम वो भी कहना हमने बाहर के मुल्कों में वो खुद रोक के कहते हैं से थैंक यू बोल बोल शुक्रिया बोल वहाँ बाज़ लोग बोल देते हैं ये कि मैंने तुम्हें बताया तो तुम शुक्रिया करो हमने जो हमारे अखलाक और आदाब थे हमने वो भी बुला दिए माँ बाप का शुक्र नहीं बड़ों का शुक्र नहीं दोस्तों का शुक्र नहीं शिकायत हाँ माँ बाप ने दिया क्या है जी वो मैंने सब अपनी मेहनत से किया है जो ऐसे कहते हैं फिर कभी कामयाब नहीं और तुम्हें वजूद मिला है तो माँ बाप की वजह से बहनें कितनी दुआएं करती होंगी भाई करते होंगे हमारी शिकायतें ही शिकायतें तो जो, जो फादल नहीं मानते शुक्र नहीं करते फिर उनके हिस्से में खैर मैं ये बात सुना रहा हूं और मुझे अच्छा लगा मैंने शायद आपको पहले भी सुनाई थी टेलीविजन के एक प्रोड्यूसर थे प्रोग्राम करते थे मेरा उन्होंने घर में एयर कंडीशन लगवाया एसी। मुझे उन्होंने बताया जब से मैंने यह लगाया मैं दो रकत शुक्राने के रोज पढ़ता हूं क्यों एक नेमत एक आसानी मुझे मिली है तो मैं उस पर अल्लाह ताला की बारगाह में ज्यादा झुकता हूं मुझे उसकी सोच अच्छी लगी कि एक चीज़ इजाफा हुई है तो शुक्र करूं हमारा क्या है कितनी चीन नतें मिलती हैं हम शुक्र करते नहीं मैंने प्याज के साथ मजदूर को सूखी रोटी खाकर शुक्र करते देखा और तिक्के और पता नहीं कबाब खाने वालों को ना शुक्र करते देखा दोनों मंजर देखे सोच में पड़ गया वो सारा दिन अपनी मेहनत कर रहा है उसको बहुत ज्यादा नहीं है तो वो प्यास के साथ खा रहा है मगर फिर भी क्या कर रहा है शुक्र कर और ये इतना खाया फिर भी जी मजा नहीं आया शुक्र नहीं किया तो कौन फायदे में रहा गरीब की बच्ची देखी उसका दुबट्टा फटा हुआ देखा मगर सर पे देखा गरीब की बच्ची देखी उसका दुबट्टा फटा हुआ देखा मगर कहां देखा सर पे देखा और अमीर की लड़कियों को जिसम दिखाते देखा बड़े महंगे से महंगा कपड़ा बनाया मगर फिर भी पूरा नहीं बनाया जिस्म ढांका नहीं क्या फायदा अच्छा आजकल एक रवाज और हो गया है जो सुन रहे हैं ताकि वो सीख ले ऐसे कपड़े बनाए जाते हैं जमीन से लगते हैं खास तौर पर खबातीन लहंगा हो गरारा हो शरारा हो स्कर्ट हो मैक्सी हो साड़ी हो ज़मीन से लग रही है जो टखने से नीचे कपड़ा है एंकल से नीचे जो कपड़ा है वो क़यामत के दिन आग में तपाकर आपके जिस्म को दागा जाएगा अपनी औरतों बच्चों से ख़ास तौर पर कहें कि ऐसे कपड़े बनाने तखने से नीचे कपड़ा होना नहीं, नहीं चाहिए जो परवाह नहीं करते हो यहाँ फैशन फैशन कर लो फिर वहाँ क्या होगा किसी का पेट निकला हुआ है पजामा शलवार पहना हुआ है वो पेट निकलने की वजह से नीचे आ जाता है वो तकबर की अलामत नहीं लेकिन ये जो दिखावे के लिए हो रहा है इसमें कोई बचत हो सकती डरना चाहिए मेरे दोस्तों और बुजुर्गों फजल की बात करता रहूंगा तो फिर सारी उम्र गुजर जाए उसके फजल का बयान पूरा हो सकता नहीं अल्लाह ताला तरशाद फरमा वा इन्ना रब आलमुमा तो किन्नु सुनू और बेशक तुम्हारा रब जानता है जो उनके सीनों में छुपा हुआ है और जो वो ज़ाहिर करते हैं बहाने बनाने वालों हटदर्मी करने वालों रब से कुछ भी छुपा हुआ <laughs> नाम कुछ लो काम कुछ करो है एक तरफ कहो कि जी मदरसे बंद स्कूल बंद मस्जिदें बंद मजार बंद दूसरी तरफ कहो क्रिसमस मनाओ रब जानता है रब तुम्हारी बातों को जानता है ये दुनिया में तुम समझ रहे हो ये कुर्सी दो दिन की है इसका वबाल कितना है तुम जानते नहीं अल्लाह से डरो रब को राजी करो दुनिया को राजी करने की कोशिश न करो हम जो दिखाते हैं जो छुपाते हैं रब से कुछ भी छुपा हुआ ऊंची लोहे महफूज उसको महफूज क्यों कहते हैं उसको मुबीन लोहे महफूज को इमाम मुबीन भी कहा गया इसलिए कि वो तमाम उलूम गए अल्लाह के प्यारों पर जाहिर करती है अल्लाह वाले देख लेते अल्लाह वाले देख लेते उलूम मारिफ असरार राज अल्लाह जिन पर जाहिर करना चाहे अल्लाह अपने प्यारों को दिखाता भी है बताता भी है उसके प्यारों से वो जितना जिसको जितना चाहे दिखाए उनसे कुछ छुपा हुआ नहीं छुपा हुआ नहीं है ये भी बयान अगर इस पर जाऊं आपको सुनते रहते हैं सुनाते रहते हैं मैंने आपको वाक़ सुनाया था हज़रत इमाम रब्बानी मुजद अल फे शेख अहमद फ़ारूकी सर हिंदी रहमतुल्ल हज़रत ख्वाजा बाकी बिल्ला के मुरीद हैं बड़ी शान है मुग़ल अज़म के ज़माने में ये हजरत शाह अब्दुलकम्दस दिलवी और मुजदस साहब का ज़माना ये वो हैं जिन्होंने जहंगीर से तोबा करवाई थी बड़ा काम किया मुजद अल्फसानी दूसरे हजार साल मुजद बड़ी खिदमत बहुत ही पाए के आलिम है और बड़ी शान है इनके बेटे ख्वाजा मोहम्मद सईद और ख्वाजा मोहम्मद मासूम उनको पढ़ाने के लिए लाहौर से उस जमाने में एक आलिम बुलवाए उनका नाम था मुला ताहिर लाहौरी ये चार सौ साल पुरानी बात बता रहा हूं बच्चा पढ़ाने के लिए उस्ताद बुलाए दोनों बच्चों से कहा ये उस्ताद है इनसे पढ़ो आप पास आके बैठे देखने के लिए उस्ताद कैसे पढ़ा रहा है बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं हम तो कमरा बंद कर देते हैं ना पढ़ो ना नजर रखनी चाहिए खास तौर पर लड़की का मामला हो तो अलग नहीं बिठाना सामने अब कहते हैं नहीं जी हमें एतमाद है एतमाद वाली बात कोई नहीं जो शरीयत का हुक्म है वो पूरा करना है इसमें एतमाद भरोसे वाली बात का कोई जिक्र नहीं लीजिए जी आपने देखा तो अचानक नजर पड़ी मुल्ला ताहिर लाहौरी के माथे पर क्योंकि यहां लिखा हुआ है कि आप बदब्त हैं या नेक बख्त है मुस्लिम शरीफ बुखारी में हदीस मौजूद जब बच्चा मां के पेट में चार महीने का होता है फरिश्ता आके चार चीजें लिख जाता है माथे पे इसीलिए अल्लाह वाले देख लेते हैं अल्लाह वाले क्योंकि अल्लाह फरमाता है उनकी आंख मैं बन जाता हूं उम्र कितनी है कितना रिस्क कैसे कमाएगा अच्छा है नेक है या बद है वो सारा लिखा हुआ है आपकी नजर पड़ गई तो माथे पे लिखा हुआ था शकी के ये बदबخت मुझे देशा फरमाते मैंने लोहे महफूज को देखा किसको देखा आंख है ना अल्लाह ने ताकत दी है ना देखा फरमाया वहां भी इनकी किस्मत में यही लिखा हुआ था बदबख्त माथे पे भी बदबख्त और लोहे महफूज में भी उनके लिए शकी कहते हैं अरबी में शकी बदबخت बदबख्त है। बच्चों को एक तरफ बुलाया बुला के कहा ये जो तुम्हारे उस्ताद हैं इनके माथे पर भी और लोहे महफूज में भी इनके लिए लिखा हुआ है कि ये शकी है बदबخت है तो बेटा बदबख्त से नहीं पढ़ना बदबخت से नहीं पढ़ना तुम्हारा उस्ताद बदल देते हैं तुम्हारा उस्ताद बदल देते हैं जो बदबخت है उससे नहीं पढ़ना बच्चे मुजद्दद साहब के थे उम्र कम थी छोटे थे मगर शेरों के बच्चे भी शेर आपके यहां कहावत है ना वली के बेटे थे उनके मुंह से निकला बाबा आप उस्ताद ना बदलो उसकी किस्मत बदल दो अल्लाह आपके पास आया है यहां आके भी बदबख्त रहेगा तो बाबा वो बदबख्त है तो उसको नेक बख्त कर दो उस्ताद ना बदलो उसकी मुजदसा फरमाते हैं बच्चों की बात मुझे पसंद आ गई अच्छी लगी बच्चों की सोच अच्छी लगी मैंने हुजूर गौस पाक का फरमान सुना हुआ था कि वो फरमाते हैं मेरी दुआ से तकदीर बदल जाती है मैंने दुआ के लिए हाथ उठाए बच्चों से कहा आमीन कहो दुआ की याल्ला इस शकी को सईद बना दे फर्माते दुआ करके मुंह पे हाथ फेरा तो मौलाना के माथे पर भी और लोहे महफूज पर भी नेक बख्त लिखा गया निगा वली में ये तासीर देखी क्योंकि अल्लाह फरमाता हैं उनकी आंख निगाहें वली में ये तासीर देखी बदलती हजारों की तकदीर देखी अल्लामा इकबाल जैसा शख्स कहता है न पूछ इन खिर का पोशो की इरादत हो तो देख इनको यदे बैदा लिए बैठे हैं अपनी आस्तीनों में ये अल्लाह वाले हैं ये लोहे महफूज से बात चली ना फी किताब मुबीन अल्लाह ताला ने सब कुछ लिख दिया किसकी दुआ से क्या तब्दीली आएगी शबे बरात में आप सुनते हो ना अल्लाह चाहता है मिटा देता है जो चाहता है रखता है यशाउ यशाउस्मित वाइन दहू उमल किताब इसीलिए उस रात जाग के तोबा करते हैं दुआ करते हैं ताकि बुरे हैं तो अच्छे लिखे जाए समझ आ रही है बात अल्लाह फरमाता है और जितने गैब हैं आसमानों और जमीन के और जितने गैब ये लफ्ज कहिएगा जितने गैब हैं आसमानों और जमीन के सब एक बताने वाली किताब में है जिसको क्या कहते हैं लोहे महफूज और उसको महफूज किस लिए किया के प्यारे देख सके अल्लाह के यहां चोरी हो सकती है ऊंची सोचा जा सकता भाई चोरी तब होके हिफाजत करने वाला सो जाए उसको ऊँग जाए उसको गाफिल हो जाए या चोर उससे तगड़ा हो अल्लाह ऐसी बात किसी के हवाले से सोची जा सकती ना उसको ऊँग आती है ना नींद आती है उससे ज्यादा या उसके बराबर छोड़ उस जैसा भी कोई नहीं तो चोरी का तो वहां डर ही नहीं फिर उसको महफूज क्यों किया महफूज इसीलिए किया है कि उसके प्यारे पढ़ सके देख सके औौस फरमाते हैं इन्ना आई नहीं या फिर लोहे महफूज मेरी आंख हर वक़्त लोहे महफूज को देखती रहती है किसने शान दी है ऊंची वो औौ का एक शख्स मुरीद हुआ जब मुरीद होके घर गया जाते ही उसको नहाने की हाजत हो गई एहते इशारे में बात कर रहा हूं मर्द हजरात समझ लेंगे एहतलाम हो गया ड्रीम कहते हैं आप नींद में ऐसा काम हो गया कि नहाने की हाजत उठा ना आया दोबारा सोया फिर तीसरी बार सोया फिर चौथी बार सोया फिर एक ही रात में सत्तर मरतबा कितनी मरतबा जिसके साथ हो क्या हाल हो गया होगा उसका आपका तीन चार मरतबा हो जाए आप कहते हैं जी दिमाग घूम गया है वो बड़ा परेशान कि ऐसा क्या हो गया मुरीद हुआ हूं तो मुसलसल पता नहीं इन्होंने निगाह करम डाली है या निगाह गरम डाली है क्या हो गया है? वो जरा हिम्मत हुई तो उठ के गौस पाक के पास गया जाके सारी बात सुनाई कि जी ये हो रहा है मेरे साथ फरमाए शुक्र कर क्या कर तो उसने कहा जी मेरा कूडा हो गया अशर बुरा हो गया मेरा आप कहते हैं शुक्र कर फरमाए शुक्र कर उनका ये बता, हर बार एक ही के साथ ऐसा मामला हुआ या हर बार कोई नया किरदार होता था कोई नई औरत होती थी उसने कहा जी हर बार नई औरत फरमाया इसीलिए कह रहा हूं शुक्र कर तू आया मेरा मुरीद बनने मैंने तेरा माथा भी देखा मैंने लोहे महफूज भी देखा वहां लिखा हुआ था तू सत्तर मरतबा जिना करेगा मैंने कहा अल्लाह अब्दुल कादिर का मुरीद होकर ऐसा करेगा मैंने की दुआ अल्लाह ने वो काम जो तूने जागते हुए करना था खाब से बदल दिया अब तुझ पर उसका गुनाह नहीं और तूने हर बार नई औरत के साथ वो किया मामला तो इतनी औरतों से तूने ने गुनाह करना था अल्लाह ने खाब से बदल दिया ये फजल हो गया है शुक्र कर क्या कर तो ये एक लोहे महफूज में लिखा देख लिया या नहीं देख लिया ऊंची अब पढ़ो आला हजरत का शेर मेरी तकदीर बुरी हो तो भली कर दे के है मेरी तकदीर बुरी हो तो भली कर दे के है महवो असबात के दफ्तर पे करोड़ा तेरा हुजूर ये जहां पर लिखा हुआ है ना सब कुछ महव कहते हैं मिटाने को असबात कहते हैं बाकी रखने को तो वो जो किताब जिसमें ये सब लिखा हुआ है तकदीरों का अल्लाह ने उस पर आपको इख्तियार दिया हुआ है अगर मेरी तकदीर बुरी है तो मिटा के अच्छी कर दें क्योंकि अल्लाह ने आपको इख्तियार इख्तियार वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला मेरी तक दीर बुरी हो तो भली कर देखे है अस बात के दफ तर पे करोड़ अल्लाह ने आपको शान दी है हजूर मालिक बना दिया है मेरी तकदीर में बुरा लिखा हुआ मिटा के अच्छा लिख दें क्योंकि रब ने आपको इख्तियार तो ये सब कुछ एक किताब मुबीन में है और क़ुरान के लिए फरमाया तिबिया नली कुल्ली शे हर शय का क़ुरान में रोशन बयान क़ुरान में हर शय का रोशन बयान और नबी पाक को अल्लाह ने खुद क़ुरान सिखाया रहमानल कुरान और कुरान में हर शय का रोशन बयान कोई खुश कोई तर कोई छोटी कोई बड़ी चीज़ ऐसी नहीं जिसका बयान इसमें ना हो तो मेरे नबी अल्लाह की अता से हर शय के आलिम हुए या नहीं हुए ऊँची जो कहते हैं ना नहीं हुए ये कुछ जानते नहीं नबी के इल्म का इनकार करके कोई ख़ुद को आलिम साबित करे तो वो आलिम वो अल्लामा तो नहीं हो दलाई लामा हो जाएगा हैं कौन होगा जो ये माने कि मेरे नबी जैसा मेरे नबी जैसा सबसे से ओ लाओ आला सब से ओ लाओ आ ल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बल्ला वसलमिन इब ते आइए ग्रामर जानते हो तो ये तेज है ये मुबालगे की है गोया क्या कहा गया कोई शह कितनी ही छुपी हुई क्यों ना हो एक तो है ना सिर्फ छुपी हुई कितनी ही छुपी हुई हो सत्तर पर्दों में हो हजार पर्दों में हो अल्लाह ताला खूब जानता है अल्लाह ताला और फिर जिसे अल्लाह दिखा दे जिसे अल्लाह बता दे वो अल्लाह के बताने से जानता है अब बंदे आ रहे हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हुजूर उनके घर में जो बातें छुपी हुई है बता रहे मेरे नबी को कौन बताता है उमेर और सफवान की बात मैंने आपको सुनाई थी ना जंग बदर का बदला लेने के लिए आए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बुरा इरादा करके जब मक्का से मदीना पहुंचे हुजूर ने बता दिया तुम दोनों ने कमरे में बैठ के ये मददा किया या नहीं किया और थर थर कांपने लग गए और 300 मील का फासला बंद कमरे में हम बातें कर रहे हैं नबी सुन रहा है नबी देख रहा है फरमाया मुझे मेरा रब दिखाता भी है सुनाता भी है तो, लाग लाग वस्यारे वस्यारे तो सब कुछ अल्लाह ने उस किताब में महफूज कर दिया अल्लाह ताला खूब जानता है अब फर्क क्या है अल्लाह खुद से जानता है नबी अल्लाह के बताने से जानता है अल्लाह का कमाल किसी के कब्जा कंट्रोल में नहीं, नहीं। मखलूक को जो कमाल मिला वो रब के कब्जा और कंट्रोल में है जब फर्क हो जाए बराबरी नहीं होती जब बराबरी नहीं तो शेरक भी हमने कभी नहीं कहा कि नबी खुद से जानते हैं हमने यही कहा उनको कौन देता है इल्म अल्लाह फरमाता है मेरे दोस्तों और बुजुर्गों ये मुगी बात मौजूदो आदम मादूम जुमला अशिया ये जो बहस उलमा में चल पड़ती है जी किस क्या चीज़ मैं इसकी आपको इसलिए तफसल नहीं सुना रहा कि आपके इलम में उसका वो उतना हिस्सा ना भी हो कोई फ़र्क नहीं बस आपको इतना जानना है कि अल्लाह ताला खुद से जानता है और जैसा वो जानता है कोई और नहीं मखलूक में जो कोई जानता है रब के बताने से जानता है जितना रब बताए और जिस हबीब से रब ने अपना आप नहीं छुपाया और क्या छुपाना तो मेरे नबी जैसा मखलूक में कोई आलिम नहीं। वो मखलूक में सबसे आलम सबसे ज्यादा जानने वाले उन जैसा कोई और नहीं। ये जो इसियाँ और नस्ियाँ इसियाँ नाफरमानी गुना को कहते हैं नसियाँ भूल चूक को कहते हैं ये इंसान के जो मामले हैं इंसान पर लाजिम है कि जो भूल हुई जो नाफरमानी हुई तोबा कर ले क्या कर ले तौबा तौबा क्या कर ले मुझे ज़रा ऊंची आवाज़ चाहिए मैंने बार बार क्यों कहलवाया आपको एहसास दिलाने के लिए क्यों ये तौबा का दरवाजा जब तक खुला हुआ है इसको गनीमत जानो इसको नेमत मत जानो ये बंद हो गया तो फिर तुम्हारी तौबा भी हो सकती नहीं बारी मैं तौबा की थी ते बार तरोड़ी ये ठेठ जबान है ठेठ जबान पठारी जबान है क्या फरमाते हैं इंसान ये तू अजीब चीज है सौ मरतबा तोबा करके फिर तोड़ देता है अल्लाह मेरी तोबा अब नहीं करूंगा फिर फिर तोड़ देता है फिर तोड़ देता है वो कहते हैं फिर भी तोबा करता रहो क्योंकि तोहबा का दरवाजा बंद सौवारी मैं तौबा की थी, ते सौवार तरोड़ी पर नफ्स कमी ने मेरे हली हली बदी न छोड़ी ये मेरा नफ्स इतना कमीना हो गया है कि ये बुराई छोड़ता लेकिन तौबा का दरवाजा खुला हुआ है हम सौ मरतबा तोबा तौ, तोड़ के भी तौबा करते हैं वो फिर कबूल कर लेता उस जैसा करीम कोई नहीं मेहरबान कोई नहीं अरे तोबा की तौफीक मिली है इस तौबा से मुंह नहीं फेरो बल्कि सच्ची तौबा करो सच्ची तौबा शेख शादी फरमाते हैं एक मुनकिर इनकार करने वाले को एक वाकया इतफाकी हुआ उसने एक आदमी का गुजर हुआ उस पर आदमी था वो दूसरा गलत अकीदे वाला नेक आदमी से उसका सामना हो गया शर्मसारी से चेहरे पर पसीना था वो जो था ना बंदा उसके चेहरे पर पसीना था शर्म की वजह से तो उसने कहा मैं अपने हमसाए बुजुर्ग के सामने शर्मसार हुआ तो वो शेख ने ये बात सुनी तो शेख ने उस पर नाराज होके क्या फरमाया जरा गहरी बात है और तुझे बंदे से शर्म आ गई और पसीना पसीना हो गया तुझे रब से शर्म नहीं आती वो तुझे नजर आ रहा है रब तुझे नजर नहीं आ रहा हालांकि ये बंदा हर जगह मौजूद नहीं रब हर जगह तो जैसे तू दुनिया में लोगों से शर्म करता है अल्लाह से शर्म तुझे आसूदगी चाहिए ना आराम चाहिए वो कब नसीब होगा जब तू अल्लाह से शर्म करेगा डरेगा अपने गुनाहों से आगाह होकर तौबा करेगा और जब बंदा तौबा करता है ना अल्लाह फरिश्तों से फरमाता है ये रोता हुआ तौबा करता हुआ बंदा मुझे अच्छा लग रहा है वो तुम्हारा एक आंसू कबूल हो गया बेड़ा अब दूसरी बात कर रहा हूं सीने साफ रखो सीने जुमला कहूं सुनना चाहोगे सीने में कीना नहीं होना चाहिए सीने में मदीना होना चाहिए अल्लाह हो सीने में मुसलमान के लिए मुसलमान के सीने में कीना, बोग्ज, मेलेस कहते हैं शायद इंग्लिश में, की गरज, मेलेस, मेल रखना ये मुसलमान के लिए सगे बहन भाइयों के लिए है रिश्तेदारों के लिए वो जी उसने मुझे यू कह दिया था उसने मुझे यू कह दिया हम इसी में खत्म हो गए मुसलमान को मुसलमान के लिए सीना साफ रखना चाहिए क्या रखना चाहिए हदीस शरीफ में है कयामत के दिन के हवाले से सुनो हदीस शरीफ में है जो इस दरवाजे से सबसे पहले दाखिल होगा वो जन्नती होगा सबसे पहले वहां हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम गुजरे हुजूर के सहाफ़ी सहाबा के राम उठे और उन्हें खुशखबरी सुनाई और पूछा तुम कौन सा नेक अमल करते हो जन्नत में दाखिल हो रहे हो तुम कौन सा नेक अमल करते रहे हो तो अब ये बात जरा सुन लें हदीस शरीफ में है उन्होंने कहा मैं तो बड़ा कमजोर सा इंसान हूँ गुनागार हूँ मैंने क्या नेक अमल करना है मैंने एक काम किया है कि मैंने अपने सीने में किसी मोमिन के लिए कीना नहीं रखा मेरे हर वक्त जहन में यही बात रहती है कि मैं किसी सच्चे मुसलमान के लिए सीने में मैल तो जिनके सीनों में नबी के लिए सहाबा के लिए अहले बैत के लिए ओलिया के लिए महल है क्या हाल होगा उनका हजरत अबू सुफियान साहबी हजरत अमीर मुआविया साहबी हजरत अमर बिन आस सहाबी हजरत हिंदा साहबी और कोई कहे नहीं जी तो फिर तेरी हैसियत क्या है तू है कौन कोई ये कहे कि नहीं सैदा कायनात से गलती हो गई माज अल्लाह हम क्या ये जुमले बर्दाश्त कर ले एक मोमिन के लिए गुंजाइश नहीं तो मैं उन हस्तियों के लिए जिनसे अल्लाह राजी और जिनके सद के हमें जन्नत मिलनी है तो हमें अदब करना है क्या करना है? और कोई कहे कि नहीं नबी की एक ही बेटी है तीन बेटियां नहीं बर्दाश्त होगा कोई नबी की बीवियों के लिए कहे कि हम उनका अदब नहीं करेंगे तो हम ऐसे शख्स की परवाह करेंगे नहीं।, नहीं याद रहे सीने साफ रखने हैं सीने जब सीने साफ हो जाएंगे ना तो फिर आपको कुछ नजर आने लगेगा ये बात जो मैंने की आप समझें फिर आपको कुछ नजर आने क्योंकि अंदर रोशनी होगी तो नजर आएगा ना और अंदर गंद होगा तो फिर क्या नजर आएगा तो ये सीने साफ कर लो जब इनमें अल्लाह का नूर आ जाएगा ये मदीना बन जाएगा तो यहां बैठे बैठे मदीना देखा करो आ, 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 आ। ये दिल की सफाई अल्लाह वालों की सोबत में होती है मगर हम ओए होए होए लोगों की बातें सुने ना नहीं जी अजीब यूं नहीं वहाँ नहीं फला नहीं अल्लाह माफ करे अल्लाह माफ करे मुझे ये बताएं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें गैब की खबरें दी या नहीं दी उनको किसने दी तो बस वो अल्लाह की आता से जानते हमें बताते हम मानते मानते हैं जो कहेगा मैं नहीं मानता तो हम उसको मानते छुट्टी तू नबी को नहीं मानता तो हम तुझे नबी को ना मानेंगे बेड़ा गरक हो जाएगा तुझे नहीं मानेंगे कोई नुकसान नहीं होगा समझ आई है बात तो हमने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मानना है कि अल्लाह ताला उनको अता फरमाता है और ये आला हजरत ने या किसी और मौलवी ने अकीदा नहीं दे दिया ये क़ुरानदी से साबित है आला हज़रत ने तर्जमा की है ये हुजूर अल्लाह की आता से जानते अब हुजूर वसल्लम का एक इरशाद फरमाया मुझे मेरे सहाबा के बारे में कोई बुरी बात ना पहुँचाए मेरे सहाबा के बारे में कोई मुझे बुरी बात ना पहुँचाए क्योंकि मेरा जी चाहता है मैं जब तुम्हारे सामने हूं तुम मेरे सामने हो तो तुम्हारे मुतालिक मेरा सीना साफ रहे मेरा सीना अब किसी की बुराई करेंगे तो सीना साफ रहेगा नहीं तो हजूर ने यह पैगाम हमारी तालीम के लिए दिया है, और यहाँ साहबा के लिए अलिया के लिए जो गुस्ताखियाँ बेअबियाँ हो रही हैं बताइए उसके बाद खैर हो सकती है ऊंची तो हमें यकीन रखना है नबी पाक के हर प्यारे के लिए भी खुद अम्बिया के लिए सहाबा अहले अलिया के लिए हमारा किसी के बारे में कोई ऐसा ख्याल नहीं होना चाहिए जो हमारे ईमान को ज़ाया करते तो अल्लाह ताला ती से नबी जानते हैं जानते है। हो सके तो जिसको जो नाम पसंद हो उसको उस नाम से पुकारा करो किसी को अपने लिए कोई लफ्ज़ पसंद हो तो उस लफ्ज़ से उसको पुकारना नहीं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते थे जिस हबी को जो पसंद होता था उसको उसी नाम से पुकारते थे ये मेरी आपकी तालीम के सीने साफ रहें आपस में मोहब्बतें रहें नाम बिगाड़ने नहीं चाहिए हाँ जो बेईमान हैं उनकी हम कोई इज़्ज़त नहीं करे जो नबी के गुस्ताख हैं उनके लिए हमारे पास कोई इज्जत नहीं मगर मोमिन को मोमिन के लिए दोस्त होना चाहिए भलाई वाला होना चाहिए खैर खा होना चाहिए अल्लाह ताला हम सबके सीने महबतों वाले बना दे ईमान वाले बना दे नूर वाले बना दे गुफ्तु में कोई गलती हुई हो अल्लाह की बारगाह में तौबा करता हूँ आखिर दावाना अनिल रब आलमीन ये जो जुम्मा अभी हम पढ़ रहे हैं ये ईसवी साल का आखिरी जुम्मा है अगला जुम्मा नए साल में आएगा एक साल के बाद पहला दिन जो होगा नए साल का वो जुमे के दिन होगा और उस साल का ये जो 2021 शुरू होगा ना इसका आखिरी दिन भी जुम्मे को होगा जुम्मे से शुरू होके वो साल जुम्मे पे ही पूरा होगा ये 2020, 2020, 2020 इसने पूरी दुनिया को हिला दिया इसमें जो कुछ हुआ अल्लाह की पना अल्लाह की पना अल्लाह की पना कोरोना वायरस के नाम पर इस साल में जो खेल दुनिया के साथ खेला गया जो अभी तक जारी है सैकड़ों ओलामा चले गए सैकड़ों मशाइख चले गए कितनों के सपने चले गए कितनों के अपने चले गए रब की बारगाह में क्या मंजूर आगे लोगों के क्या इरादे दुआ करें अल्लाह तब को मुआफ़ फरमाए और नया साल अल्लाह खैर और बरकत के साथ अता फरमाए ये सारी बलाएँ दूर फरमा दे मदीने के रास्ते खोल दे अल्लाह हज के रास्ते आसानी से खोले और लोग ईमान वाले हरमैन में जा सकें आसानी से रह सकें बहुत ज्यादा फितने बहुत ज्यादा मसले इस साल में हुए हम लोग अपना मुहासबा करें अपने अंदर झांकें कि मैंने इस साल में क्या किया मैं कितना सही रहा मैं कितना गलत रहा हम सब तौबा करें इस साल को मनाने के लोगों के अपने तरीके हैं जी आतिशबाजी करते हैं पटाखे करते हैं हल्ला गुल्ला करते हैं। अब आया ना कोरोना तो अब उनको भी थोड़ा सा तकलीफ़ हो रही है आज 25 दिसंबर है तहरीक पाकिस्तान के कायद आज़म मोहम्मद अली जिना का योम विलादत और ईसाइयों के नज़दीक हज़रत ईसा आसाम का भी योम विलादत जिसको वो क्रिसमस कहते हैं कुछ लोगों ने कहा कि क्रिसमस मैरी क्रिसमस का माना है कि अल्लाह ने बेटा जाना कुछ लोग ये कहते हैं मैंने इस बात की तहकीक की यह बात साबित नहीं मैरी क्रिसमस के ये माने मुझे कहीं से मिले नहीं तो जब ये माने नहीं है तो खामखा ये माने बनाने का मतलब क्या है वो सलीब का निशान बनाते हैं हम नहीं बनाते लेकिन हजरत ईसा अल्लाह के नबी हैं अगर वाकई ये उनका योम विलादत है तो हमारे लिए भी मुबारक है लफ्ज मुबारक का इस्तेमाल गैर इस्लामी गैर शराय या गलत चीज पर हो सकता नहीं कोई क्या ओली मुबारक ना क्योंकि वो इस्लामी चीज नहीं है तो उसके लिए बरकत या मुबारक का तस्वर क्या हो सकता है तो मुबारक का लफ्ज जब कहा जाएगा इस्लामी अच्छी शर्ी जायज़ चीज़ पर कहा जाएगा गलत चीज़ पर नहीं कहा जाएगा तो अगर आप किसी दोस्त को कहते हैं क्योंकि ये तारीख जो 25 दिसंबर है ये कन्फर्म तारीख नहीं है हज़रत ईसा की पैदाइश की क्योंकि वो खुद भी बताते हैं उनके नज़दीक भी साबित नहीं अगर साबित है या नहीं है हज़रत ईसा के नाम से कर रहे हैं उनका जो तरीका है वो करेंगे हम उनके तरीक़े में शामिल नहीं होंगे आप ये लोग जो केक काटते हो ये केक काटना भी गैरों की रस्म हम दुआ करेंगे अब मीठा खिलाओ केक काट लेते हैं लोगों ने अपने आप ही घर सालगिरह में केक काटना हालांकि ये तरीका केक काटना ऊपर नाम लिख रहा होता है अपने ही नाम को काट रहे होते हैं है? या तो लिखो नहीं फिर अपना ही नाम काट रहे हो कोई अच्छा लफ्ज लिखा हुआ उसको काट रहे हो या आपका दिल मानता है तो आपकी बात है बहरहाल तो आज ये आखिरी जुम्मा इस साल का अल्लाह ताला अगला साल खैर के साथ अता फरमाए जुम्मे से शुरू होकर जुम्मे पे उस साल ने पूरा होना अल्लाह उस जुम्मे की बरकत से वो सारा साल अच्छा करते है आप लोगों से जो बात करनी है वो ये कि पाकिस्तान के हवाले से जो साजिशें हो रही हैं वो आपको अंदाज़ा नहीं कादानी पूरे ज़ोर से लगे हुए यहूदी पूरे ज़ोर से ईसाई लगे हिंदू लगे हुए सारे गैर मुस्लिम पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ख़ास तौर पर कि ये मुसलमानों का मुल्क इसमें लोग बहुत ज़्यादा नबी से प्यार करने वाले इस्लाम के लिए सबसे ज़्यादा जोश में आने वाले इस मुल्क से लोगों के दिलों से इस्लाम निकालो नबी निकालो नबी की मोहब्बत निकालो गैरत निकालो आपको हराम खिलाया जा रहा है कुछ तो है ना नारे आपको तरीक़े तरीक़े से गलत ग़ज़ दी जा रही हैं गलत दवाएँ दी जा रही हैं जाली अंडे खिलाए जा रहे हैं जाली चावल खिलाए जा रहे हैं लो ना उनसे जिसका फोन बजा उसे फोन छीनो जिसको मस्जिद का एहतराम नहीं उसका फोन छीन लो उससे मस्जिद में आके घंटियां बजाते हैं पता नहीं कैसे मुसलमान है आप लोग तो हम बेपरवाह हमारे खिलाफ साजिशें हो रही हैं और होश में नहीं है क्या क्या दिखाया जा रहा है क्या क्या सुनाया जा रहा है क्या क्या पढ़ाया जा रहा है इतने फितने हैं कि मैं बता नहीं सकता मैंने अभी आपको बताया मशरक अखबार की मेरे पास किसी ने तराशा भेजा है अखबार की कटिंग भेजी है किसी ने मशरक अखबार की पता नहीं शायद पेशावर का अखबार है या कहां का है मशरक लिखा हुआ है उस पर उसने मुझे भेजा है उस पर लिखा हुआ है मदारस बंद दीनी मदारस बंद क्या लिखा है ये है अगर नजर आता हो तो मदारस बंद और नीचे लिखा है कि क्रिसमस मनाने की हिदायत सरकारी तौर पर कुरान पढ़ाना बंद करो और क्रिसमस मनाने की वजीर आजम की मुल्क भर में सरकारी तौर पर क्रिसमस तकारीब के इनका की हिदायत ऊपर मदारस बंद और नीचे यह लिखा हुआ है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान इसलिए बनाया था सोचें मैं सिर्फ आपको आगाह कर रहा हूं फितने हैं आपके खिलाफ अपनी आंखें खुली रखें अपने ईमान की हिफाजत करें गजा के मामले में बहुत ज्यादा मोहतात हो जाए ये जो बाजारों में बिक रहा है हज़ी आपको कहा जाता है कि नहीं जी साबुत मुर्गी पांच सौ रुपए किलो मरी हुई मुर्गी तीन सौ रुपए किलो तो मरी मुर्गी खिलाने का मतलब आपके अंदर से ईमान निकल जाए गैरत निकल जाए शादियों में दावतों में कहाँ क्या क्या, क्या खिलाया जा रहा है नहीं पता होश में रहना है अल्लाह हम सबको इन फितनों से बचाए हमारे ईमान की हिफाजत करे हमने नया साल जो इस हर साल 12 बजे रात के जहाँ लोग पटाखे छोड़ते हैं हमने कई बरसों से ये तरीक़ा रखा है कि साल वो ग्यारह बज के उनसठ मिनट पर दुरूश्री पढ़ के अजान शुरू कर देते हैं। आप भी अपने घरों में कह लेना बरकत होगी तो यहाँ रात को अजान दी जाएगी न्यू ईयर नाइट में ठीक है ना ये ग्यारह बज के उनसठ मिनट पर दुरूश्री पड़ेगा इतने मिसाल शुरू हो जाएगा आजान देंगे फिर दुर्ूशीफ अल्लाह उसकी बरकत से अच्छा ही करते अब भी अपने घरों में ऐसा कर लेना बाकी ये जो लोग निकल जाते हैं हमारे नौजवान एक व्हील पे मोटरसाइकिल चला के सारी उम्र के लिए माजूर बन जाते हैं अल्लाह इन बच्चों को हिदायत दे अब भी उनको रोकना टोकना उस रात को नहीं निकालना कोशिश करना सब नेकी करें इस हफ्ते में ढेरकोट ज़िला बाग आज़ाद कश्मीर में अहल सुन्नत के एक बहुत बड़े आलिम, हज़रत मौलाना मुफ्ती ग़ुलाम यासीन शाह साहब बुखारी इंतकाल कर गए बलूचिस्तान से हर साल रमदान में आते थे यहाँ पर एक बुज़ुर्ग आलिम, हज़रत मौलाना फ़तेह मोहम्मद साहब फतेह मोहम्मद साहब बारोजई हर साल आते थे जब बहुत ज़्यादा बीमार हो गए तो उनके बेटे आने लग गए हर साल रमदान में आते थे वाले साहब के के दोस्तों में से थे वो भी इंतकाल कर गए सैयद रेहान चिश्ती के वालिद सैयद सरफराज साहब वो भी इंतकाल कर गए मेरे अज़ीज़ थे रिश्तेदार थे पाक पतन में हाजी ग़ुलाम शब्बीर साहब मेरे चचा के वो बिरदर नस्बती थे मेरी मामूजात बहन के शौहर थे वो भी इंतकाल कर गए बड़ी नेक नौजवान था उसने अपनी कमाई का बहुत सारा हिस्सा मस्जिदें बनाने और मदरसों पे लगाया था नेक नौजवान था मदीने जाना हर साल तीन चार मरतबा वो भी इंतकाल कर गए अल्लाह तगफ़रत फरमाए और भी जितने लोग ईमान के साथ चले गए अल्लाह सबकी मेरत फरमाए मैंने